तो उन्होंने कहा कि जिस फर्ज को आदमी बर्ज ही न समझे वो सबसे बड़ा फर्ज है ना, जिस फर्ज को आदमी बर्ज ही न समझे वो बड़ा फर्ज है। किस एतबार से? मसलन पेट में दर्द है और लापरवाही कर रहे हैं, किस वजह से दर्द है, क्या वजह है, रीजन क्या है, मालूम नहीं करता, पेट में दर्द है चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, लापरवाही। अब वो हो सकता है कि पेट का दर्द कैंसर में तब्दील हो जाए और बढ़ते बढ़ते इनकी लापरवाही के वजह से मर्ज नहीं समझ रहा, इस वजह से वो मर्ज बढ़ रहा, बढ़ते 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 लाइलाज मर्ज बन जाता है और आदमी बढ़ जाता है। इब्तदाई मरने की दवाई कर दे तो आदमी ठीक हो जाता है, लापरवाही की वजह से मर्ज न समझने की वजह से मर्ज बढ़ता है, आदमी हलाक हो जाता है। तो फरमाया कि जिस मर्ज को आदमी मर्ज न समझे वो सबसे बड़ा मर्ज है, सबसे बड़ा पेशेंट हो। तो आदमी बदनिगाही आज नमाजी हो, हाजी हो, आलिम हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, जाकिर हो, मुरीद हो, सब में शेख हो, बहुत तकरीबन काफी तादाद में, कसीर तादाद में लोग बदनिगाही को मुबतला है, कसीर तादाद में बदनिगाही मुबतला है। बदनिगाही क्या है? सबसे पहली बात, हमने किसी औरत को देखा अच्छी लगी, हमने फिर देखा अच्छी लगी, हमने फिर देखा बहुत अच्छी लगी, ये बदनिगाही, निगाहें बद है, ये जिना का पहला दरवाजा है, जिना का पहली गेट है, ये पहला दरवाजा है। और इस्लामी उसूल पर कुर्बान जाए, इस्लाम ने पहले ही दरवाजे को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, जिना तक पहुंचने के लिए जो पहला दरवाजा उसको ही इस्लाम ने हराम कर दिया। ना आदमी निगाहे बद से देखेगा और ना आदमी जिना तक पहुंचेगा। लेकिन आज क्या है, जिना के सारे दरवाजे खोल देते हैं और बाद अपना लड़की के पास बैठा देते और कहते किसी ने अपना नहीं करना, तनहाई में बैठा देते हैं और कहते किसी ने नहीं करना, कपड़े भी उतरवा देते हैं और कहते किसी ने नहीं करना, ये गंदी बात है। सारी गंदगी के सारे रास्ते खोल दिए और एक गंदगी बच गई है तो कहते हैं वो गंदगी नहीं करना, और वही नहीं करना वही हो जाता है, जो नहीं करना है वही हो जाता है। बदनिगाही, बदनिगाही का सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं है कि जिना हो जाए, सैकड़ों नुकसानात है, सैकड़ों नुकसानात है बदनिगाही की वजह से। जी, इस्लाम ने सबसे पहला दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली नजर मां, आपने देखा एक बच्ची अच्छी लगी, औरत अच्छी लगी, मैडम अच्छी लगी, कोई बात नहीं है। अब दूसरी नजर अगर उठ गई तो हराम है, दूसरी नजर शैतान की नजर होती है और पहली नजर इख्तियारी नहीं बल्कि गैर इख्तियारी होती, उठ गई हो, हमारे इख्तियार से बाहर की बात थी, अब जब उठ गई उसके तरफ इख्तियारी होगी, यानी शैतानी शुहूद की नजर से देखेगा आदमी, बुराई की नजर से देखेगा आदमी, ख्वाहिशात की नजर से देखेगा आदमी, इसलिए दूसरी नजर माफ नहीं है, हराम है। दूसरी नजर हराम, सिर्फ दूसरी नजर हम देखेंगे ही नहीं किसी भी सूरत में, ये हम तय करते हैं। जी, देखिए क्या होता है, हम अगर किसी को देख लें अच्छी लगी, बार बार देखेंगे अच्छी लगी, बार बार देखेंगे अच्छी लगेगी, अब वो दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा, शैतान एक दुकान खोल के बैठ जाएगा, ऑफिस खोल के बैठ जाएगा, अच्छी लगी बहुत अच्छी है अब उसको दे दो, फिर उसको जो है बात बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर उससे मोहब्बत की बात हो जाती है, फिर उससे बातचीत शुरू हो जाती है, मोहब्बत, वो बातचीत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और मोहब्बत जो है पता नहीं कहां तक पहुंचा देता है मोहब्बत के बहाने। देखिए एक छोटा सा गुना है, स्टार्टिंग में समझिए तो बहुत बड़ा गुना है, लेकिन जिसको हम कहते हैं छोटा है, ये गुना सारे गुनाहों का दरवाजा खोल देता है, सारे के सारे दरवाजे गुनाहों के खोल देता है। आपको बताओ ये बदनिगाही की वजह से ईमान भी छिन जाता है, ईमान छिन जाता है। मसलन आप देखे हो अखबार में रोज पढ़ते हैं, कभी कभी तवज्जो नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, अखबार में पढ़ते हैं
एक बच्ची थी, किसी हिंदू बच्चे से मोहब्बत कर ली और फिर वो लड़का हिंदू का था और वो बच्ची इस्लाम छोड़कर वो बच्चे के मजहब में चला गया। ईमान छिना नहीं छिना, ये किस वजह से छिना गया? न वो निगाह बद से देखती, गलत नजर से न देखती थी और न ये मजहब का ईमान छीनता था, है ना जी। निगाह बद की वजह से मर्द कभी कभी मजबूर हो जाता है और मोहब्बत के ताकत में बच जाता है, हवा में बच जाता है, फिर अपने ही मजहब से हाथ धो बैठता है और बच्चे की ही मजहब को कबूल कर लेता है। या तो यहूदी बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, हिंदू बन जाता है, बुद्धिस्ट बन जाता है। किस वजह से हुआ है? न गंदी नजर उठती, न ये नौबत आती थी। हदीस पाक का मफहूम भी है, बुजुर्गों ने कहा है कि निगाह बद की वजह से आखिरी वक्त में जब आदमी उस वक्त रूह निकल रही होती है और सफर का आखिरी लम्हा होता है और जिंदगी भर उन्होंने गलत निगाहें उठा उठा कर लोगों को देखता रहा, घूम घूम के देखता रहा और उसके बारे में गलत ख्याल दिमागों में लाते रहे लाते रहे, फिर आखिरी वक्त में आखिरी जो लम्हा होता है, जब कलमा पढ़ना चाहता है तो कलमा जुबान पे आते ही नहीं, कलमा जुबान पे आता ही नहीं है। यह है इस बीमारी के जो नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान ईमानी चीज आता है, कर्मा ही नहीं सिद्ध होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीमारी ऐसी बीमारी है इससे बूढ़े लोग भी मुबतला है, 70, 80, 100 साल के भी लोग मुबतला है और छोटे बच्चे भी मुबतला है, नवासी भी मुबतला है, मुत्तकी भी मुबतला है और आम खास आदमी मुबतला है। इस गुनाहों से बचने की सख्त तरीन जरूरत है। अल्लाह इब्ने जौसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, एक हाफिज़े कुरान, एक हाफिज़े कुरान जिसके सीने में कुरान करीम महफूज था, उनके सीने में उनका सीना भी मुकद्दस बन चुका था, उनके सीने में कुरान बन चुका था। एक बार का वाकया है, उन्होंने किसी बच्ची को गलत नजर से देखा, शुहूद की नजर से देखा, गंदी नजर से देखा, उसी वक्त उनके सीने से कुरान निकल गया बाहर, उसी वक्त। अल्लाह इब्ने जौसी रहमतुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के वली है, बहुत बड़े मुसन्निफ है, बहुत बड़े आलिम है, इमाम है, उन्होंने अपनी किताब में बात लिखी है। कितना बड़ा नुकसान, उसी वक्त उनके सीने से कुरान करीम निकल जाता है और वो आम आदमी की तरह हो जाते हैं, हाफिज का लेवल निकल जाता, हट जाता, हाफिज नहीं करता। उन्होंने उसी के साथ एक और वाक्य लिख दिया है, मौसम साहब ने वो आजान देने के लिए उस जमाने में माइक नहीं था, तो कुछ जगह पर लोग जाकर के मौसम जाकर के आजान जोर से देते ताकि दूर दूर तक आवाज जाए। एक मौसम साहब थे जो कुछ जगह पर छत के बराबर कुछ जगह पर जाकर के आजान देने के डर से गए और एक पड़ोस के मकान पर नजर पड़ी, बहुत खूबसूरत बच्ची थी, उन पर नजर पड़ गई और उनके दिल में ख्यालात आने शुरू हो गए। उसके बाद नमाज के बाद वो घर में जाता है और पूछता है कि बच्ची किसकी है, तो पता चलता है कि क्रिश्चियन की बच्ची है। तो कहता है कि बच्ची मुझे पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उनके वालिद कहते हैं कि शादी शर्त पे होगी, जब तुम क्रिश्चियन बन जाओगे, ईसाई बन जाओगे, मैं शादी कर दूंगा। तो बच्चा कहता है कि हाँ ठीक है, हम क्रिश्चियन मजहब को कबूल कर लेते हैं और हम तैयार हैं बात के लिए, हमें शादी कर दीजिए। ये निगाह की सजा, गलत निगाह की सजा, इस्लाम से हटकर, इस्लाम से कटकर क्रिश्चियन कबूल करने के लिए आगे बढ़ता है और चप्पल चढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ता है और चढ़ते चढ़ते सीढ़ी पर से फिसल करके नीचे गिरता, गर्दन बीमार होती है और मर जाता है। जान भी गई और ईमान भी गया। हमारे दिलों में ये बात ना है, हम तो कल देखें थे ना, गंदी नजर से कहा कुछ होने का इंतजार ना करें। अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने तौबा का मौका दिया है, जिंदगी बचाने का मौका दिया है, अल्लाह ने ईमान को बचाने का मौका दिया है, अल्लाह ने कुछ कर दिखाने का मौका दिया है। गनीमत जानिए, अजाब के इंतजार में ना रहे, क्योंकि अजाब जब आ जाएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, बच नहीं पाएंगे, बच ही नहीं पाएंगे। फिरौन आखिरी वक्त में कह रहा है, अल्लाह ए मूसा आपके रब पर मैं ईमान ला लेता हूँ, ए मूसा मैं आपके रब पर ईमान ला लेता हूँ, अल्लाह मुझे बचा ले, मूसा के रब पर मैं ईमान लाया, मुझे बचा ले। अल्लाह ने बचाया नहीं,
फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि वक्त हो गया चलो, उन्होंने कहा कि वक्त थोड़ा देख लो जन्नत को, बस खत्म हो गया, आखिरी वक्त तो कोई मौका ही नहीं, बात करने का भी मौका नहीं, और वो कब्ज कर ली गई। और बहुत सारे ऐसे सैकड़ों वाकयात जो हम सबके लिए इबरत है, हम सबके लिए इबरत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कारून बहस कर रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, बदनाम कर रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और इल्जाम लगा रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और फिर गुस्सा आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के दरबार में हाथ उठा के अल्लाह तुम्हें मदद करो, इल्जाम लगा रहा है मुझे, इल्जाम लगा रहा है। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने जमीन मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जमीन इसको धसा दे, फिर घुटनों तक धसाया जमीन और कमर तक जमीन ने धसाई, फिर गले तक, फिर वो चिल्ला रहा है ऐसा अलैहिस्सलाम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं अपनी बात मानने के लिए तैयार हूं, मुझे बचा लो, लेकिन अल्लाह ने नहीं सुनी, अल्लाह ने हिफाजत नहीं की। जब अल्लाह की गिरफ्त आ जाए ना मेरे दोस्तों, फिर ये नहीं देखेंगे कि इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे, इनकी बीवी बेवा हो जाएगी, इनके खानदान उजड़ जाएंगे, इनका घर चलाने वाला कोई नहीं, अल्लाह ये नहीं देखेगा। वक्त आएगा और कब्ज हो जाएगा, वक्त आएगा सजा में मुलविस कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए इसी इंतजार में रह रहे हैं। हम इतना देखे हैं, इतना ये किया है, उतना ये किया है, कभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो गनीमत जानिए कि कभी कुछ भी नहीं हुआ है। अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मोहलत दी है, तौबा करने की मोहलत दी है, आमाल जमा करने की मोहलत दी है, अल्लाह ने बचा दिया है, अल्लाह की रहमत आप पर है, अल्लाह की नजर रहमत आप पर है, ये सोच करके तौबा कर ले और इस मर्ज से अगर हम मुब्तला है, इस मर्ज से बचने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों एक सहाबी आते हैं, बहुत अहम हदीस मैं आपको बताता हूं, बहुत अहम हदीस से सुनिए और गौर से सुनिए और याद कर लीजिए, आप याद भी कर लीजिए। एक सहाबी आते हैं मौलाना फीज जुल्फकार चौधरी रहमतुल्लाह अलैह वजीर वाली, उन्होंने उस सहाबी का नाम लिखा किताब में, मेरी नजर उस हदीस पर पड़ी। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी के बारे में गलत गलत ख्याल आते हैं, मेरी बीवी के बारे में गलत गलत ख्याल आते हैं, ये मतलब शक वाले ख्याल, पता नहीं क्या करती होगी, पता नहीं क्या करती होगी, पता नहीं क्या करती होगी, क्या कर रही होगी, ऐसे समझ रहे ना, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया सुनिए, कि देखो तुम दूसरी औरतों के बारे में ख्याल निकाल दो, तुम्हारी औरत के बारे में ऐसे ख्याल खुद बहुत निकल जाएंगे। और जब तुम आगे फरमाया सुनिए आगे, और अहम बात है, अगर तुम किसी दूसरी औरत पर गलीज नजर से देखोगे, किसी गलीज नजर से किसी दूसरी औरत को देखोगे, तो तुम्हारी बीवियों पर, तुम्हारी बेटियों पर दूसरे लोग गंदी नजर से देखेंगे। सुनिए हदीस में है, आगे चलिए और बताता हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम किसी दूसरी की बीवियों के साथ जिना करोगे, दूसरी औरतों के साथ लड़कियों के साथ जिना करोगे, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी बेटियों तुम्हारे घर में किसी पति के साथ जिना ना हो जाए। सुन रहे हदीस है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को कोई दूसरा ना देखे गलत नजर से, और हमारे घर में कोई खातून इस वक्त में इस गुनाह में प्रवृत्त ना हो, हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम ये गुनाह ना करें, ये गुनाह बदनिगाही वाला गुनाह, सीना वाला गुनाह, गलत ख्यालात वाला गुनाह, ये गुनाह से बचेंगे हमारा घर भी महफूज रहेगा। मेरे दोस्तों अगर इस काम में हम लोग इस हम मुतला है और तौबा नहीं करते हैं, तौबा के बगैर दुनिया से जाते हैं, तो उससे पहले पहले ये काम होकर रहेगा जो काम हमने कर दिया है हदीस है। इसलिए मेरे दोस्तों इस काम से बचना है, इस काम से बचना है, बदनिगाही से बचना है। हम रास्ते चलते हैं, आज तो फितने का दौर है, घर से बाहर कदम रखिए, आपको सिवाय बेपर्दगी के कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ गलत देखने के अच्छा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, गलत ही गलत हर जगह है, हर जगह गलत ही गलत है। मेरे दोस्तों ऐसी ऐसे मौके से जितना आप कर सकते उतना करिए ना, जितना आप कर सकते उतना करिए ना जी।
लोग समझते मौका मिला है भाई, वो जमाने के बाद मौका मिला किसी को देखने का, शौक से देख लेते हैं, जानते हैं। हदीस पाक के अंदर बात आती है, अगर अगर आदमी अपनी निगाहों को बचा ले, गलत देखने से बचा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ईमान की हलावत नसीब अता करता है और साथ ही उनको अच्छे अमल की तौफीक भी अता करता है। और बताओ, एक हजरत ने लिखा अपने मुरीद के बारे में कि जब मेरे पास 30 साल का नौजवान था, जब मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हजरत मैं एक ऑफिस में गया, चार बच्चियां थी और चारों बेटी भी है और मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, मुस्तकिल चार साढ़े चार घंटे तक वो ऑफिस का काम चलता रहा और मैं काम करता रहा, मैं चार साढ़े चार घंटे में एक बार भी उनके चेहरे की तरफ निगाह नहीं उठाया। और फिर उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हो गई, वो काम खत्म हो गया, उसके बाद से जो मुझे मजा मिलना शुरू हो गया, जो हलावत मिलनी शुरू हो गई, आज 3 साल हो गए मैं उस मजे का जिक्र ही नहीं कर सकता, उस बात को ला नहीं सकता, हलावत का इजहार कर ही नहीं सकता हूं, जो मुझे हलावत का जो मिठास मुझे नसीब हुआ है ईमान का अमल का, उसका इजहार मैं कर ही नहीं सकता हूं जी। और आज 3 साल गुजर गए, आज तक मैं उस बचने के बारे में जो बचा हूं उस गुनाह से, उसकी जो हलावत मुझे नसीब हुआ, आज तक उसको महसूस कर रहा हूं। यह है मेरे दोस्तों, सिर्फ बदलेगा ही से बनेंगे, फायदा होगा, दुनिया का भी फायदा होगा, आखिरत का भी फायदा होगा जी। दुनिया का फायदा यह होगा हमारा घर महफूज रहेगा, और आखिरत का फायदा यह होगा कि निजात मिलेगी, निजात मिलेगी, निजात जी, जन्नत के आला मकाम मिलेंगे जी। आखिरी युद्ध में कलमा मिलेगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो सबसे बड़ी दौलत है, यह हमारी मेहनत खात्मा बिल खैर के लिए है, यह नमाज पढ़ना, ये ज़कात देना और ये नेकियां करना, ये सदका खैरात करना क्या है? आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो जाए, ईमान के साथ दुनिया से चला जाए, उसी की मेहनत है जी, उसी की मेहनत है। और ये बदलेगा ही से वही नियमत छिप रही सिर्फ। मेरे दोस्तों, हम और आपकी जिम्मेदारी ये है, किसी भी रिश्तेदार के घर में जाते हैं, ये खलीनी जो है बहन है, ये फुफेरी बहन है, ये फला है, ये रिश्ते ठीक है, लेकिन शरीयत ने जो आपको हक बताया है वो हक में रहे, हर जगह अपनी निगाह की हिफाजत करें, हर जगह आप कॉलेज में बैठे तो बिल्कुल आप अपनी सोच को कंट्रोल में रखें, निगाहों को कंट्रोल में रखें जी, सोच को भी कंट्रोल में रखें, निगाहों को भी कंट्रोल में रखें, नहीं तो बार बार बदनिगाही से आदमी, सुनिए, आदमी का जहन खुद होता है बदनिगाही से, याद रखिए, जो बार बार जो देखते हैं ना गलत निगाहों से औरतों के को, लड़कियों को, फला को, उनका जहन खुद हो जाता है, दिमाग जो दिमाग होता है कमजोर हो जाता है, याददाश्त खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, और बुढ़ापे में भूल की बीमारी लग जाती है उनको, भूलने की बीमारी लग जाती है। और मैं बताऊं आपको, फिर वो आदमी जब पावरफुल हो, जवान हो जाता है, निगाह जो शर की निगाह है वो जवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो फिर उसको आंखों को ठीक करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। शादी हो जाती है तो भी उसकी निगाह है गलत कैसी उठती रहती है, याद रखे आखिर तक उठती रहती है, उनके ख्यालात वही पकते रहते हैं जी। और उसके जो नुकसान है, आप भगवान और डॉक्टर हजरत से पूछिए क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान है जी, बहुत सारे नुकसान है मेरे दोस्तों, हकीम लोगों से पूछिए, जो डॉक्टर से उनसे पूछिए कि बार बार बुरी बातों को सोच रहा उसकी क्या क्या नुकसान है, आप उनसे पूछिए, आप पूरी तरह से बताइए कितने बड़े बड़े नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान हो रहा है, आखिरत का भी नुकसान हो रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए इस काम से, इस गुनाह से बचा जाए, इस मर्ज से बचने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों, ये बहुत बुरा, बहुत खबीस मर्ज है, बहुत गंदा मर्ज है, बहुत खराब मर्ज है, आदमी को जलील कर देता है, आदमी को बदनजरी, आदमी को रुसवा कर देता है, आदमी को जलील और बेइज्जत कर देता है मेरे दोस्तों। बचने के हद तक इंसान कोशिश करिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने सुने है ना, जुलेखा ने दावत दी बुराई की, बुराई की दावत दी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन जमील थे, बहुत खूबसूरत थे, और जो बादशाह है वक्त के बादशाह, उनकी बीवी की नजर गलत हो गई, दिल में ख्यालात गलत,
आने लगे और सोची कि मैं इनके साथ गति हरकत करूं। सात दरवाजे के अंदर लेकर गई, सात दरवाजे के अंदर, सात दरवाजे बंद है, लॉक करके अंदर गई और उस गिलास लगे हुए शीशे, आप जिस तरफ निगाह उठाएंगे वो उस औरत की सिवा कोई नजर नहीं आएगा, जिधर आप उधर घूमेंगे औरत नजर आएगी, इधर घूमेंगे औरत नजर आएगी, हर तरफ औरत ही नजर आएगी। वो औरत कपड़े उतार लेती है, कपड़े उतार लेती है, क्या किया जाए, लॉक है, लॉक है, बचने की जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, कोशिश करिए। मैं बता रहा हूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम है कि लॉक पड़ चुका है, ताले लगे हैं, लेकिन इतना मालूम है कम से कम दरवाजे तक भागने की ताकत तो है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जोर से भागते हैं, दरवाजे तक जाते हैं, इतना तो जाना इंसान कर सकता है, वहां तक पहुंचते हैं तो अल्लाह की मदद आती है, दरवाजा खुल जाता है। जब आप कोशिश नहीं करेंगे ना तो अल्लाह की मदद आ ही नहीं सकती है। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं, समझिए जिस जगह पर सुलेखा खड़ी है, दरवाजा यही पर खुलना चाहिए, लेकिन अल्लाह ये दिखाना चाह रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी ताकत है कोशिश करके दरवाजे तक गए और दरवाजा तब जाके खुला है, फिर सारे दरवाजे खुलते गए और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निजात पा गए। और गवाही के लिए अल्लाह ने, गवाही के लिए अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को खड़ा कर दिया, जरा बोल दे यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक है। वो बच्चा बोलता है कि नहीं, ये लड़की गलत है या औरत गलत है, यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक है, इनकी इरादे भी पाक है, इनकी सोच भी पाक है, इनकी निगाहें भी पाक है। एक दो तीन पहने का बच्चा बोल उठा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितना हम कर सकते हैं, कॉलेज में बैठे हैं, अगर हमारे कलीग में बच्ची बैठी है, आप कितना कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर वो टोक रही है तो महदूद अंदाज में जवाब दीजिए, निगाहें नीचे करके जवाब दीजिए। जी आप रास्ते चल रहे हैं, कौन बच्ची बोलती है मुझे देखो मुझे देखो, आप नीचे नजर कर दिया, सामने भी नजर है तो ठीक है, नजर हटा लीजिए ना, रास्ते पर नजर रखिए, दिमाग को कंट्रोल में रखिए, नजर कंट्रोल में जाएगा। जितना आप कर सकते उतना करिए, याद रखिए इसका असर दिल पर पड़ेगा और इसके जो नूर आपको मिलेंगे, हमको मिलेंगे मेरे दोस्तों, उसका इजहार जुबान कर ही नहीं सकता है। उसकी मिठास जो मिलेगी और उस बरकत से जो हिदायत मिलेगी, आप तसव्वुर 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 नहीं कर सकते हैं, वो जुबान पर वो नेमतों के इजहार जुबान से इजहार हो ही नहीं सकता है। इसलिए बदनिगाही से बचा है, ये जिना का पहला दरवाजा है, और जो इसमें मुब्तला हुआ, याद रखिए बचने की कोशिश नहीं करेगा, जो इसमें मुब्तला हुआ वो जिना के, जिना तक, वो जगह तक, वो मंजिल तक, जिना का जो मंजिल वहां तक पहुंच कर रहेगा, जी जलील होकर रहेगा मेरे दोस्तों। अल्लाह हम सबको पहले सुनने से ज्यादा अमल के तौर पर पता फरमाए। वाजु दावाला अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हजरत सुनत के बड़े सुनत कीजिए और अपने अपने बड़े को बने रहिए, आगे जरा खाली का सुनत कीजिए।